खबर अलवर के कोट कासिम से है, जहां शेरपुर गांव में 25 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वजह बताई जा रही है कि मृतक द्वारा पास के खेत में काम कर रही एक महिला के सामने अश्लील हरकत की गई। जब महिला ने घर जाकर पति को बात बताई तो परिजन उसे युवक को घर से ही उठा लाए और उसकी जमकर पिटाई की, जिसमें युवक की मौत हो गई। खेत में काम कर रही महिला के सामने निर्वस्त्र होकर पहुंच जाने को लेकर शेरपुर गांव में एक 25 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक पहले भी दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामले में सजा काट चुका है और जमानत पर चल रहा था। चौकी निवासी मृतक रूडमल के परिवार और शेरपुर निवासी आरोपियों के परिवार के खेत आसपास बताए जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शेरपुर निवासी एक युवक की पत्नी खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान रूडमल निर्वस्त्र होकर उसके खेत में पहुंच गया और महिला से अभद्रता की। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी पति को दी। इस पर परिजनों में रोष व्याप्त हो गया। सोमवार सुबह करीब 6 बजे महिला के परिजन रूडमल के घर पहुंचे और मार पिटाई कर उसे घर से उठा लाए। मारपीट में रूडमल अचेत हो गया। आरोपियों ने रूडमल के पिता रामोतार को बुलाया और उसे उसके साथ ट्रैक्टर पर भेज दिया। घायल रूडमल को सीएससी ले जाया गया, लेकिन तब तक रूडमल की मौत हो चुकी थी। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने पर धरना भी दिया। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर दिया है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने रूडमल को बिजली के करंट लगाकर मारा है। शरीर पर काले काले जले हुए निशान थे, साथ ही शरीर पर मारपीट की वजह से चोट के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मिल पाएगी। मृतक के पिता रूडमल ने कोट कासिम थाने में शेरपुर निवासी अजीत पुत्र बिल्लू, ललित पुत्र बनवाली, राजपाल और टोनी व जितेश व ललित के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी लाठी फर्सियों और हथियारों से लैस होकर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उनके घर पर आ गए थे और परिवार पर हमला कर दिया था और रूडमल को पीटते हुए अपने साथ ले गए थे और उसकी हत्या कर दी। वे आए और हमारे ऊपर जबरदस्ती उसने पकड़ कर खींच कर मारने लगे। नहीं, इससे पहले कोई रंजिश है या नहीं? कोई रंजिश नहीं है, मतलब वैसे ही आ गए अचानक। अचानक सुबह? सुबह। कितने आदमी थे? वे आदमी थे 5। और फिर क्या हुआ? फिर उसने मारा पीटी करी, फिर उसने पकड़ कर ठाले। इस बीच में, इस दौरान आपने पुलिस को इतना किया? नहीं किया, हमने घर से ले बैठाए। सुबह 6 बजे आया है, फिर हमने नहीं गया, हमारे पास उसने हथियार दिखाए। हम उसके बाद 8 बजे गए, 7:30 के 8 बजे वे वहाँ मरिया हुआ पड़े था। और कौन थे वाले? खेत में, घर पर? घर पर। किसके किसके घर पर था वो? अजीत। इस मामले में एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कासिम में एक मर्डर की घटना प्रकाश में आने में मृतक का अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की कार्यवाही जारी है। अब तक की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके द्वारा कल कोई महिला के साथ छेड़खानी की घटना प्रकाश में आ रही है। उसने वो छेड़खानी की थी, उसके प्रति उत्तर में आज महिला के घर वालों ने इसके साथ घर पर मारपीट की। मारपीट के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर गई। घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत लाश को मोर्चरी में ले आया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। मृतक के परिजनों ने FIR दे दी है।